Hi everyone, welcome back to my channel. तो मैं हूँ नवी मुंबई में. मैं आई हूँ यहाँ पे फॉर अ डे एंड अभी तो मैं खाना खा रही हूँ. तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं अपना हेयर कलर कराऊँ और तो इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ. तो मेरा जो हेयर स्टाइलिस्ट है ही स्टेज उसका सलोन यहीं पे है. तो अभी मैं खाना खा के नहा के फिर रेडी होके जाऊंगी. और आज खाने में है मेरी फेवरेट भिंडी दाल बैंगन का भरता एंड दिस इज़ थोड़ी सी चटनी. यम. तो मैंने एक दो ऑप्शंस रखे थे दिमाग में. सो लेट्स सी कैसा होता है. तो मैं फाइनल रिव्यू तो करूँगी आराम से. हेयर कट भी कराना है मुझे, नेल्स भी कराना है, सब कराना है. बहुत खर्चा आने वाला है आज. और तो मुझे करना था, मुझे लैश लिफ्ट कराना था बट आई हर्ड दैट लैश लिफ्ट से लैशेस गिरते हैं. सो आई एम गेटिंग रेडी. अभी मैं नहा के आई. आई जस्ट वॉश माई हेयर बिकॉज इट वॉज वेरी ग्रीसी. मैंने आई थिंक 3 या 4 दिन से शैम्पू नहीं किया था. तो आई हैड टू वॉश माई हेयर एंड मैंने अभी तो फिलहाल ये अप्लाई किया. दिस इज़ ये मेरे को डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था कि अप्लाई दिस. I felt like it's okay. मुझे इतना कुछ major difference नहीं दिखा. And I'm applying Ecologica Glow Moisturizer. This is also like okay. मतलब I got this in PR though. तो now I'm applying minimalist sunscreen. Was the final reveal of my hair color and this is like almost a month after that. So as you can see the color has faded a little bit or the color was copper with little bit of highlights and wo sun like under sunlight wo kafi red dikhta hai as in like very ginger undertone but ऐसे normal light में ये काफ़ी brown दिखेगा and
एंड ऑल्सो ये सब मेरे नहीं है FYI. सो दैट वॉज माई हेयर कलर. ऑल्सो आई एम रियली सॉरी कि मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ ये सारे वीडियोज एडिट करके, बिकॉज आई एम रियली नॉट वेरी कंसिस्टेंट विथ यूट्यूब वीडियोज एंड आई एम ट्राइंग टू बी वेरी कंसिस्टेंट. एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय कमेंटिंग और शेयरिंग और हाउएवर यू वॉन्ट टू. इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इट्स हेल्पिंग मी आउट. थैंक यू. एंड ऑल्सो सजेस्ट मी मोर आइडियाज कि आपको क्या देखना है मेरे यूट्यूब वीडियो में या मेरे यूट्यूब चैनल पर. So bye, see you, good night.